था कि वो शौचालय साफ करने के लिए नहीं बनी है एमपी, नली साफ करने के लिए नहीं एमपी बनी है, वो जिस चीज के लिए एमपी बनी है वो मतलब ईमानदारी से करेंगे। इस पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सांसद की खिंचाई की, उनको बुलाया गया दफ्तर में, उनको कॉल किया गया और खुद जो जगत नड्डा और ये जो नए संगठन मंत्री हैं राम माधव के बाद संतोष जी, उन लोगों ने उनका क्लास लिया और ठीक कहा उसने, ईमानदारी के साथ कहा। जैसे ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा था कि नाथीराम गोडसे देशभक्त है, उसी ईमानदारी के साथ जो है उन्होंने कहा कि बने हम इसके लिए नहीं बने हैं। महात्मा गांधी जो है नाली साफ करते थे, महात्मा गांधी जो है पखाना का गमला साफ करते थे, इस काम के लिए गांधी बने हैं, प्रज्ञा ठाकुर और आरएसएस इस काम के लिए नहीं बना है। उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी बात कही। भारत को बेहद गर्व है, पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण, अन्य लोगों ने चंद्रयान दो लॉन्च होने पर इसरो को बधाई देते कहा, लेकिन वहीं कांग्रेस ने मेहोड़ लगी है कि इसके जो चंद्रयान दो बनाने का मनमोहन सिंह ने सैंक्शन किया था। सर अब तो नरेंद्र मोदी जी का बस लगे तो कहेंगे कि भारत वर्ष जो है जब उन्होंने जन्म लिया तो इस पृथ्वी पर भारत वर्ष नाम का एक जो है भूगोल वाला देश जो है जन्म लिया। भाई ये सब कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे बरसों की तपस्या है। तो जिन लोगों ने नींव डाली इस तरह के काम की उनको धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि यह देश इस स्थिति में पहुंचा कि चंद्रयान को उसने आसमान पर भेजा। ये किसके साथ ही किसके जमाने में हुआ भाई ये तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो कहते हैं इसमें बहुत माने हल्केपन का बोध होता है। सबको सहरा दीजिए, अपने भी सहरा लीजिए, लेकिन ये कि सिर्फ हमारे वजह से हुआ ये तो कहना गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट ने देसी गाय की रक्षा के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार। किसी का नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार किसी गाय की रक्षा के लिए? नहीं ठीक है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। देखिए गाय और बाजा ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर हमारे देश में लंबे समय से मैंने दंगा जो है होता रहा है। हिंदू लोग जो मस्जिद के सामने से बाजा बजाते हुए फुल वॉल्यूम में जाते हैं उसको लेकर के झगड़ा होता है और गाय को लेकर के जो है दंगा होता है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। तो गांधी जी के जमाने में भी होता था, गांधी जी भी को मैंने रक्षा वाले थे, वो सेवा वाले थे, रक्षा वाले नहीं थे, वो सेवा वाले थे। तो उस समय से ये बात चल रही है कि सब मैंने मुसलमानों को अगर वो बीफ खाते हैं जो उनको बंद कर देना चाहिए, ये बात पहले से चल रही है और कई राज्यों में इस तरह का कानून है और ये आगे चल करके एक संकट बनने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, देखिए सरकार क्या जवाब देती है।